बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, अभी दो दिन पहले जो जम्मू कश्मीर में DDC के इलेक्शन हुए हैं, DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, जिसमें के कुल तो 270 सीटों पर इलेक्शंस हुए और तमाम BJP ने अपने अपने जितनी एजेंसियां थी, मरकज़ी एजेंसियां, मुकामी एजेंसियां, सब इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनको वादी में करारी हार हुई है। जम्मू कश्मीर में करारी हार हुई है, वादी में यानी कश्मीर में इनको सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। उसको भी लेके ये जश्न मना रहे हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ी जीत दर्ज किया, गोदी मीडिया चिल्ला रहा है बड़ी जीत बड़ी जीत, 3 सीट को लेके ये लोग चिल्ला रहे हैं। इसके बाद जम्मू, जिसे BJP का गढ़ समझा जाता है, वहाँ भी 6 ज़िले में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी दूसरी पार्टियां जीत के आई है, तो इन्हें करारी हार मिली है। इन्हें 270 में सिर्फ 75 सीटें, और फिर भी इनको शर्म नहीं आती, जीतने का जश्न मना रहे हैं। और जो गुपकार गैंग जो इनको कहते थे, इन्होंने कम से कम 150 के करीब सीटें जीती हैं। आज़ाद उम्मीदवार इनके करीब हैं, तो पब्लिक ने BJP को बिल्कुल नकार दिया है। भले ये कहते रहे कि हम बहुत बड़ा गेन किए, गोदी मीडिया चिल्लाता रहे, लेकिन कोई गेन नहीं है। इनकी हार हर जगह, जहाँ जहाँ इनके इलेक्शन हो रहे हैं, ये हार रहे हैं, मगर जोड़ तोड़ वो वगैरह वगैरह करके अपनी हुकूमतें बना ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। इख्तदार और कुर्सी के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अब ये 70 सीटों के साथ तो ये कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर, और कश्मीर के आवाम ने फैसला दे दिया है कि BJP को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। किसी भी हालत में ये लोग BJP को वोट नहीं देंगे, चाहे आप वो उसको गुपकार गैंग कहो, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहो, PDP कहो। PDP तो वो जमात है जिनके साथ इन्होंने 3 साल तक इख्तदार के मज़े लूटे। अभी भी अगर कोई भी पार्टी इनसे मिलना चाहे तो झट ये लोग उनके साथ, वो गैंग वैंग सब रह जाएगा, ये लोग फौरी उनके साथ वो इतिहाद कर लेंगे। बहरहाल आप खुद देखिए इनका आंकड़ा क्या है, इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन ये जीतने का ढंडोरा पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।